हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग एस दे रखा है जिसमें आपके क्या हैं लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस स्ट्रिंग को गुड बनाना है। तो गुड हम कैसे बना सकते हैं, इसमें हमें क्या होगा, दो एडिशन कैरेक्टर्स ऐसा होगा कि एक आपका अपर केस में होगा और दूसरा आपका लोअर केस में होगा। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि पहला आपका लोअर केस में हो और दूसरा आपका अपर केस में हो और सेम कैरेक्टर हो। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उन दोनों को हटा देना है और स्ट्रिंग को क्या करना है, गुड बनाना है। ये जो है ना ऑपरेशन हम थ्रू आउट स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखते हैं फिर कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो आपको लीड कोड दे रखा है, राइट यहाँ पर। तो आप देखो यहाँ पे एडजेसेंट नोट कौन कौन सा ऐसा है, नॉट नोट कैरेक्टर्स जो कि आपका क्या है, सेम है लेकिन एक कैपिटल में है दूसरा आपका लोअर केस में है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, ये देखो ये दोनों हैं, तो इन दोनों को आपको हटाना पड़ेगा। तो हटाओगे तो क्या बनेगा, लीट कोड बन जाएगा, राइट। अब ये बन गया, अब ऐसा कोई पेयर है क्या, नहीं है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, अब इस एग्जाम्पल में देखो ए बी बी ए सी सी। ठीक है, ये देखो इसमें क्या है आपका, यहाँ पे ये दो पेयर क्या है, सेम है लेकिन एक आपका क्या है लोअर में है और एक आपका अपर में है। तो आपको क्या करना है, दोनों को हटा देना है। हटा दोगे तो जब आप इसको हटा दोगे तो ये दो देखोगे, ये दोनों भी अपना एक पेयर बना रहा है जो कि सेम है लेकिन एक अपर में है और एक लोअर में है। तो यहाँ पर इन दोनों को भी हटा देंगे। ठीक है, ये भी आपका सेम है बट एक अपर एक लोअर, इसको भी हटा देंगे, क्या बन जाएगा आपका, एम्प्टी बन जाएगा, राइट। तो ये आपका था प्रॉब्लम। अब इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम ना इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक वन पास में कर सकते हैं, एक टू पास में कर सकते हैं। तो पहले हम टू पास के तो देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे पहला स्टैक का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम स्टैक में करेंगे क्या, देखो स्टैक में हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपको क्या इन दोनों को हटाना है। आप क्या करो, स्टैक में इसको पुश कर दोगे। ठीक है, फिर अगला एलिमेंट देखोगे कि अगर सेम होगा तो अगर एक लोअर में होगा और दूसरा आपका अपर में होगा तो पक्का है कि इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस ना 32 होगा। कैसे, अब देख लो आस्की कोड, अब देख लो यहाँ पे ए का 97 है और ए का 65 है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे देख लो 32 है, इसका भी 32 है, इसका भी 32 है। ठीक है, तो ऐसे केस आपको अगर मिलते हैं तो आपको क्या करना है ना, स्टैक से उसे हटा देना है। कैसे करोगे आप देखो, यहाँ पे जैसे एल पे आप जाओगे, अभी तो एम्प्टी है, इस इंडेक्स से स्टार्ट करोगे, ये एम्प्टी है ना, तो सिंपली इसको इंसर्ट कर दोगे। ओके, फिर आप ई पे आओगे। ओके, तो आप टॉप पे देखोगे कि टॉप पे जो एलिमेंट है और अभी जिस पे हम हैं दोनों का डिफरेंस 32 है क्या, 32 नहीं होगा क्योंकि अगर सेम अगर होगा लोअर केस में अगर होगा तो 26 तक ही हो सकता है ना, तो आपका डिफरेंस इसका कम, इससे कम ही होगा, 32 तक होगा नहीं। अगर 32 होगा तो पक्का है कि एक आपका लोअर होगा और एक आपका अपर होगा और सेम कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में दोनों को मिलेगा नहीं, तो हम ई को भी इंसर्ट कर देंगे। फिर हम इस पे आएंगे। ठीक है, ई पे आएंगे, तो ई पे आएंगे, ई को इंसर्ट करने से पहले हम देखेंगे इसके जो टॉप में है ई और जो हम करंट पे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या अपना 32 है क्या, हाँ 32 है, तो इसको भी यहाँ से हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो और ई को इंसर्ट मत करो और यहाँ पर आ जाओ। अब ई पे आ गए, तो ई पे आओगे देखोगे कि जो टॉप पे है और इस ई पे क्या इन दोनों का डिफरेंस 32 है, नहीं है, सिंपली इंसर्ट कर लो। फिर इस ई पे आओगे, फिर देखोगे जो टॉप पे है क्या इस ई का डिफरेंस 32 है क्या, नहीं है, सिंपली इंसर्ट कर लोगे। फिर टी पे आओगे देखोगे क्या टॉप पे जो एलिमेंट है ई और टी का डिफरेंस 32 है, नहीं है, तो टी इंसर्ट कर लोगे। फिर सी पे आओगे, देखोगे सी और टी का डिफरेंस आपका क्या 32 है क्या, नहीं है, सी को भी इंसर्ट कर लोगे। फिर ओ पे आओगे, क्या ओ और सी का डिफरेंस आपका क्या है 32 है क्या, नहीं है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लोगे। फिर आप डी पे आओगे, फिर देखोगे क्या डी और ओ का डिफरेंस 32 है क्या, नहीं है, तो डी को भी इंसर्ट कर लोगे। फिर ई पे आओगे, क्या डी और ई का डिफरेंस आपका 32 है क्या, नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब हमें लीड कोड में चाहिए, अब इसे जो हम निकालेंगे तो रिवर्स मैनर में मिलेगा, तो हम क्या करेंगे ना, आंसर लेंगे, इसमें पहले तो अपना टॉप आएगा, ये आएगा, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम टॉप लेंगे एलिमेंट और आंसर को यहाँ पे फिर से लेंगे। ठीक है, तो टॉप यहाँ पे इंसर्ट होगा, ई तो आपका ई रहेगा पहले, ऐसे तो आपका पहले रहेगा कुछ नहीं,
तो आंसर में फाइनली आपका क्या होगा, ई होगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फिर से टॉप एलिमेंट को इधर इंसर्ट करोगे और जो आंसर होगा इसको इधर करोगे, तो फिर आपका डी ई बनेगा। फिर आप क्या करोगे, आंसर में ओ को इधर इंसर्ट करोगे और डी ई को इधर रखोगे आंसर, क्योंकि ये अभी ये आंसर यहाँ पे है और टॉप ये है, तो ओ डी ई बनेगा। तो ऐसे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीट कोड मिल जाएगा, ठीक है। इसका मैं आपको कोड दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें एक स्टैक लेना है जिसमें आपको क्या करना है, करेक्टर इंसर्ट करना है, तो करेक्टर टाइप होगा इसका। फिर हम एक लूप ले लेंगे, ठीक है। पहले तो हम देख लेंगे क्या स्टैक आपका एम्प्टी है, क्या एम्प्टी है तो क्या करो, इसमें इंसर्ट कर दो कैरेक्टर को और कंटिन्यू, ठीक है। फिर अगर आपका एम्प्टी नहीं है तो अब देखो कि जो स्टैक टॉप पे है और जिस इंडेक्स पे हमें, उन दोनों का डिफरेंस 32 है क्या। अगर 32 है तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे इसको पॉप कर दो जो का स्टैक में है, अदरवाइज क्या करो स्टैक में इंसर्ट कर दो, ठीक है। ये कर लोगे आप, फिर जब आपका स्टैक तैयार हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ऑपरेशन करोगे, जब तक आपका स्टैक एम्प्टी नहीं रहता है हम आंसर को तैयार करेंगे। तो आंसर हम रखेंगे राइट साइड में और टॉप को रखेंगे हम लेफ्ट साइड में, और जो एलिमेंट है एक एक करके पॉप करते चलेंगे, आंसर में अपना स्टोर हो जाएगा। इसे क्या मिलेगा, हमें रिवर्स में मिल जाना है, तो आंसर हम क्या करेंगे, डन कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा आपको बताती हूँ वन पास में हम कैसे कर सकते हैं बिना स्टैक का यूज़ किए, सिर्फ हम स्ट्रिंग का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है आपका, आप क्या करोगे, एक आंसर ले लोगे, ओके। आप यहाँ पे आओगे, ओके। आप जब ये यहाँ पे है एल पे होगे तो एल को सिंपली यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट कर लो, ओके। जब आप ई पे आओगे तो देखोगे इसके बैक में क्या है, इस स्ट्रिंग के बैक में क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ई है, और क्या इन दोनों का डिफरेंस आपका 32 है, क्या नहीं है, तो ई को भी इंसर्ट कर लो, ठीक है। फिर इस ई पे आओगे, इसी पे आओगे, फिर देखो कि जो बैक में है, बैक में क्या है, ई है, तो इन दोनों का डिफरेंस 32 है क्या, हाँ 32 है, तो क्या करो इसको भी हटा दो यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ पे आओगे आप, देखोगे क्या इसका और स्ट्रिंग के बैक का डिफरेंस 32 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दोगे। फिर यहाँ पे आओगे, फिर देखोगे कि स्ट्रिंग के जो बैक में है और इस ई का डिफरेंस क्या आपका 32 है, नहीं है, तो इसको यहाँ इंसर्ट कर लोगे। फिर टी पे आओगे, टी पे और इसके बैक में जो होगा, क्या दोनों का डिफरेंस आपका 32 होगा क्या, नहीं होगा, तो टी को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, ठीक है। फिर आप सी पे आओगे, सी और टी का डिफरेंस आपका 32 है क्या, नहीं है, तो आप सी को भी इंसर्ट कर लोगे। फिर ओ पे आओगे, ओ और सी का क्या आपका डिफरेंस 32 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लोगे। फिर डी पे आओगे तो डी और ओ का डिफरेंस आपका 32 है क्या, नहीं है, तो डी को भी इंसर्ट कर लोगे। ई पे आओगे, ई और डी का डिफरेंस आपका क्या 32 है क्या, नहीं है, तो ई को भी यहाँ पे इंसर्ट कर लोगे, ओके। इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे आंसर लोगे, ए को इंसर्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि बैक में इसका तो अभी कुछ है नहीं। फिर आप बी पे आओगे तो बी और ए का डिफरेंस आपका क्या 32 है क्या, नहीं है, तो बी को इंसर्ट कर लोगे। फिर इस बी पे आओगे तो देखोगे बी, ये बी का और यहाँ पे इसका डिफरेंस जो बैक में है, क्या इसका डिफरेंस आपका 32 है क्या, हाँ 32 है, इसको हटा लोगे और आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो अब देखोगे जो बैक में है और इसका डिफरेंस, ठीक है, क्या ये आपका 32 है क्या, हाँ 32 है, इसको भी हटा लो। फिर आप क्या करोगे, इस पे आ जाओगे, राइट, सी को इंसर्ट करोगे। फिर देखोगे क्या जो आपका यहाँ पे जो है और इसका जो बैक में है, दोनों का डिफरेंस आपका क्या जो है 32 है क्या, हाँ 32 है, इसको भी हटा लेंगे और हमें क्या मिलेगा, एम्प्टी मिल जाएगा। इसका भी मैं आपको कोड दिखा देती हूँ, ओके। हम यहाँ पे करेंगे क्या, आंसर एक स्ट्रिंग ले लेंगे और एक लूप ले लेंगे, ठीक है। आंसर में हम क्या करेंगे, जिस इंडेक्स पे हम होंगे उसको पहले इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे क्या जो आंसर, आंसर का साइज आपका क्या होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो है क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस आंसर के बैक में जो है और आई प्लस वन पे जो है, इन दोनों का डिफरेंस क्या 32 है क्या। अगर 32 है तो जो आंसर में हमने अभी स्टोर किया है ना, उसको भी हटा देंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा और हमें आंसर को क्या करेंगे, यहाँ पे डन कर देंगे, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।